ईशानगर क्षेत्र वासियों की मांग पर बिजावर विधायक राजेश शुक्ला के अथक प्रयासों से पूर्व में बंद उप तहसील कार्यालय ईशानगर को सुचारू रूप से संचालित करा दिया गया था, जिसके लिए पुराने भवन कार्यालय को खोलकर नायब तहसीलदार सहित अन्य कार्मिकों के पद स्वीकृत कर उप तहसील कार्यालय खोलकर ग्रामीणों व किसानों के तहसील संबंधित कार्य शुरू किए गए, जिससे आसपास के किसानों व ग्रामीणों के लिए तहसील कार्यालय के लिए छतरपुर जाने के स्थान पर ईशानगर में ही कार्य होने लगे थे। लेकिन कोरोना काल में उप तहसील कार्यालय बंद कर दिया गया था, जिस पर आज क्षेत्र के ग्रामीणों ने महेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में सामूहिक रूप से बिजावर पहुंचकर विधायक को पुनः तहसील कार्यालय संचालक कराए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिस पर विधायक राजेश शुक्ला ने कलेक्टर को पत्राचार करते हुए ग्रामीणों की मांग पर पुनः हफ्ते में तीन दिन उप तहसील कार्यालय संचालन किए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक निवासी पर ईशानगर क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। ईशानगर में चूंकि पिछले तीन वर्ष पूर्व एक उप तहसील की घोषणा की गई थी और उसको शासन ने निर्देश दिए थे कि सप्ताह में दो या तीन दिन तहसील ईशानगर में लगेगी, अभी जो छतरपुर में संचालित है, तो ईशानगर के नागरिकों ने, युवाओं ने आवेदन दिया है कि ईशानगर में पुनः दो दिन या तीन दिन तहसील संचालित की जाए, क्योंकि छतरपुर की दूरी और लोगों को कठिनाइयां आती हैं। इसलिए मैंने अभी कलेक्टर महोदय को पत्र भी लिखा है और उनसे अभी बात करूंगा, उनको पत्र भेजूंगा और कोशिश करूंगा कि नवरात्रि में ही ईशानगर में कम से कम दो दिन या तीन दिन सप्ताह में ईशानगर में ही तहसील का संचालन हो, और मेरा प्रयास है कि नवरात्रि में इसको शुरू कर दिया जाएगा। ईशानगर में तहसील थी, वो बंद कर दी गई, इसलिए फिर से पुनः तहसील खुलवाने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। विधायक जी द्वारा क्या आश्वासन मिला है? विधायक जी द्वारा ये आश्वासन मिला है कि नौ दुर्गन के अंदर अंदर आपके यहाँ तहसील खुल जाएगी, तहसीलदार बैठने लगेगा, आप लोगों की सुनवाई होगी। परेशानी तो इतनी है, किसान नाना के 30 किलोमीटर है छतरपुर, अगर पिनई कार्ड बनने कोनू कार्ड बनन जाने, तहसील से संबंधित कोनू काम है, तो एक दिना में होती 10-10 दिना भाग रहे किसान, खावे किसान न लो है, गरीब जनता है। इसलिए हम लोग ने यही सोचा है कि ईशानगर में अगर तहसील खुल रही तो किसान की, वो गरीब आदमी की। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिजावर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।